प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, आठ मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुजुर्गों के पिछले बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय, बीजेपी 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 कांग्रेस बॉयकॉट करो, बीजेपी कांग्रेस बॉयकॉट करो, बीजेपी कांग्रेस बॉयकॉट करो, बीजेपी कांग्रेस बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बीजेपी कांग्रेस बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, साहिल देखिए आज के प्रदर्शन को, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे देश वासियों को गणपति बप्पा जो आज विसर्जन किए जाएंगे सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं कितनी बदनसीबी जम्मू कश्मीर में हो गई है कि आज गणेश विसर्जन जी का टाइम है और मेरी माताएं बहनें सड़कों पे हैं। चुल्लू और पानी में डू मरो बीजेपी वालों, चुल्लू और पानी में डू मरो बीजेपी कांग्रेस वालों। मैं कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि विपक्ष नपुंसक हो तभी जाकर सत्ता पे बैठी हुई पार्टी माताएं बहनों को सड़कों पे ले आई। किस लिए ले आई, किस लिए ले आई, इसलिए ले आई कि इनके बिजलियों के जो बिल है वो 200-500 रुपए के जो बिल थे वो आज 5 से 15 हजार रुपए के बिल बन गए। और एमनेस्टी स्कीम, आप खुद सोचिए, जो एमनेस्टी स्कीम बनाई थी, जो अमीर लोग थे जिन्होंने जानबूझ के रोके थे उन्होंने तो बिल दे दिया, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग थे जो 200-500 नहीं दे सकते थे उनके आज भी बिल कितने पेंडिंग हैं, मैं सरकार को पूछना चाहता हूं क्या आप उनके बिल डबल करोगे? क्या बीजेपी की अब यही तानाशाही बची हुई है? अगर आप बिल डबल नहीं करोगे तो बिल माफ किए जाए जिस तरह पंजाब और दिल्ली सरकार ने किए, बुजुर्गों की पेंशनें बहाल किए जाए, पुराने बिल माफ किए जाए, और स्मार्ट मीटर याद रखना, आपने म्युनिसिपलिटी इलेक्शन, म्युनिसिपल जो इलेक्शन थी वो तो आपने पोस्टपोन कर दी, आप उसमें तो बच गए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आने वाली जो एमपी की इलेक्शन है क्या उसमें मेरी माताएं बहनें वोट डालेंगी? सुन लो, नहीं डालेंगी, एमपी की इलेक्शन में वोट डालोगे? एमपी की इलेक्शन में वोट डालोगे? नहीं डालेंगे। सुन लो, मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूं, मोदी साहब आपके काम पे कोई शक नहीं, लेकिन आपके बैठे हुए नपुंसक जो लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, वो जो है वो मेरी माताओं बहनों पे जम्मू कश्मीर की जुल्म किए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाकर। एलजी मनोज सिन्हा गो बैक, गो बैक, गो बैक। और एलजी मनोज सिन्हा साहब को कहना चाहता हूं, आपकी दोस्ती हो गई, आपकी दोस्ती होगी इन बीजेपी वालों से, लेकिन हमें आपकी दोस्ती नहीं देखनी, दुश्मनी नहीं देखनी, मुझे अपनी माताओं बहनों के घर जो मीटर लगे हैं स्मार्ट मीटर, पहले पूरे देश में लगाओ फिर जम्मू कश्मीर में लगाना। स्मार्ट मीटर बंद होने चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बंद होना चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन बहाल होनी चाहिए, पुराने बिल माफ होने चाहिए, और प्रीपेड सिस्टम बंद होना चाहिए, नहीं तो सड़कों पे। और ठीक 7 दिन का समय है, ठीक 7 दिन का समय है, आज समझ लीजिए, ठीक 7 दिन के बाद हम हंगर स्ट्राइक पे मैं अपनी माताओं बहनों को लेकर बैठ जाऊंगा। क्या आप बैठोगे? क्या आप बैठोगे? माताएं बहनें लेकर मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। ठीक 7 दिन का समय है एलजी साहब के पास, ठीक 7 दिन का समय है बीजेपी के पास, और नपुंसक विपक्ष को कहना चाहता हूँ जाग जाओ, और जागी आओ भरावा, लोग घर बोर्ड मंगन तो चलिए, शर्म करो, शर्म है, लोग जूते रिहार पौने, अगर जूते रिहार नहीं पौना चाहते हो स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ो, रोड़े पर आइए, सड़के पर आइए, मेरी माता बहन नाल सड़के पर आइयो, आइयो एक कोई आओ, सियासत एक साइड रखी आइयो, जब मैं एक सियासत एक साइड रखी आई सकना तुम की नहीं आई सकते। स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो तक हल नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स बंद नहीं होता, तुम्हारे घर के बाहर जी प्लेटा लगी रही, वो स्मार्ट में वो सो दी प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटा लगे रही, मत लगाओ,
मत लगाओ। और एमनेस्टी स्कीम जी कल खत्म हो गई है, इसी जल्द तो जल्द सारे बिल माफ किए जान, क्योंकि गरीबे का बिल बचे, गरीबे का पैसा बचे और गरीब पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि गरीब सिस्टम साधा बिजली साड़ी पानी साड़ा जमीन साड़ा, और उसके बावजूद तुम बाकी स्टेटा बच्चा सानू बर्दाश्त नहीं। बीजेपी कांग्रेस बायकॉट करो।